आज रतिया मंडी में चारों तरफ से किसान आए हैं, क्योंकि किसान कह रहा है कि मेरे सर के ऊपर जो कच्चा छप्पर था, जो कच्ची छत मेरे सर पे थी, आप तो उस छत को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हो। बीजेपी कहती है तेरे सर पे से छत हटा देंगे, तेरे को आजादी मिल गई। किसान कहता है मेरे को ये आजादी नहीं चाहिए। ये जो तीन कानून बीजेपी लेके आई है, बगैर किसान के मांगे, बगैर किसान से राय मशवरा किए, बगैर किसान की सहमति के, ये जो कानून लेके आई है, ये किसान राज को कंपनी राज में बदलने वाले कानून है। इस देश का किसान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब के किसानों का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और अब हरियाणा का किसान भी उसी रास्ते पे चल के हरियाणा के किसान नेता कहलाने वाले लोगों को अपने बीच जमीन पे बैठाएगा। हरियाणा के किसान ने भी बॉलिंग सीख ली है। सबसे पहला विकेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का गिरेगा। क्या हरियाणा की राजनीति में भूचाल आएगा इसको लेकर, जिस तरह आज बंदा इसका असर होगा देखने को मिलेगा? आज मैं अभी नरवाड़ा से चला था और रास्ते में किसानों ने बगैर किसी झंडे के, बगैर किसी नॉलेज के खुद ब्लॉक कर रखी, हमारी गाड़ी ब्लॉक कर दी किसानों ने। मैसेज इतना अंदर तक चला गया है कि जहां संगठन नहीं है, जहां झंडा नहीं है, वहां भी किसान खड़ा हो गया है। और हरियाणा की राजनीति में जो किसान के खिलाफ है वो बच नहीं सकता, वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता। जो पंजाब में हुआ है वो हरियाणा में निश्चित दोहराया जाएगा। आज सिर्फ शुरुआत है और आप देखिए आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये किसानों के फायदे के लिए कानून जो लागू किया गया, आप बताइए अगर किसानों के फायदे में है तो पिछले 40-50 साल से किसी किसान संगठन ने मांगा क्यों नहीं? अगर किसान के फायदे में है तो आधी रात को चोर दरवाजे से क्यों लेके आ रहे हो, खुले बाजार में क्यों नहीं लेके आते? किसान के फायदे में है तो एक भी किसान संगठन की राय मशवरा क्यों नहीं की? किसान के फायदे में है तो देश का एक भी किसान संगठन आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? खुद अकाली आपसे क्यों अलग हो गए? आरएसएस का किसान संगठन आपके खिलाफ क्यों है? या तो इस देश का सारा किसान पागल है या प्रधानमंत्री जी आप ज्यादा जादूगरी कर रहे हो। असली बात 100 बातों की एक बात है, मेरे भाई ने कही, वो मुझे भी कहनी चाहिए थी। सारे बिल कानून मुझे मंजूर हैं, आप उस कानून में लिख दो कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। और ये मेरी बात नहीं है, 2011 में चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी, उस टाइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, और उस चीफ मिनिस्टर की कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सिफारिश की थी। सिफारिश क्या थी कि एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बनाया जाए, एमएसपी से नीचे कहीं पे भी खरीद फरोख्त को गैर कानूनी बनाया जाए। तो मेरा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश को क्यों नहीं मान लेते? किसान संघर्ष समिति के बैनर तले क्या मुद्दा है? इन मुद्दे देश के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान बंद है, आज रतिया बंद है, पूरे देश के लोग मैदान में मोदी जी लोकतंत्र के खिलाफ देश के लोग लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई देश में होने जा रही है। आगे भी प्लानिंग क्या है? जब तक ये देश वापस नहीं होंगे, पार पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे, हमें लाठ उठा के लड़ना पड़ा तो लाठ उठाएंगे। कृषि मंत्री का कहना है कि विपक्ष की सरकार है वो किसानों को गुमराह, इसमें क्या कहना है? इतना मूर्ख है कृषि मंत्री, इसको इतनी अकल ही नहीं। तो जो सरकार की नीतियां है उसके मूलधार का आधार है और उसका कोई लेना देना नहीं। आप किसान से पूछे यदि देश उसके पक्ष में है उसके खिलाफ है। अगर आपकी मांगे ना मानी गई तो आपका आगे क्या कदम रहेगा जी? देश की आजादी के बाद पहला आंदोलन होगा, टकराव की स्थिति में पैदा होगी, लाखों लोग सड़कों पर। What?
किसान कहता है मुझे तुम दाम दे दो, मुझे मुआवजा दे दो, मुझे सस्ता डीजल दे दो। मोदी सरकार कहती है ना, जो तू मांग रहा है, जो तेरा हक है वो नहीं देंगे, तेरे को तीन तीन गिफ्ट देंगे। कौन सी गिफ्ट जी? सरकार कहती है तीन तीन कानून हम तेरे लिए लेके आए हैं, तेरे को वो कानून देंगे। किसान कह रहा है जी मैंने तो कभी मांगा नहीं है, मुझे तो पता नहीं क्या चीज है, ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो मेरे को। सरकार कहती है नहीं, तेरे फायदे में है, तेरे को गिफ्ट देंगे। किसान कहता है जी मेरे फायदे में है तो मेरे से एक बार बात कर लेते। भाई किसानों के इस देश में 200 संगठन है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारी किसान संघर्ष समिति भी जुड़ी हुई है। वो कहते हैं आप एक बार किसानों से बात तो कर लो, बात नहीं। दो हफ्ता पहले मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला देश के कृषि मंत्री से, मैंने कहा तोमर साहब मेरे को आप एक किसान संगठन का नाम बता दो जिससे आपने राय मशवरा किया हो ये अध्यादेश लाने से पहले। एक नहीं है, हमारी तो छोड़ दो, हम तो सड़क से विरोध करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने किसान संगठनों से राय बात नहीं की, आरएसएस वालों से राय बात नहीं की, अकालियों से राय बात नहीं की। क्यों? क्योंकि किसान संगठन से अगर बात करते तो किसान कहते ना जी ये गिफ्ट नहीं है, ये तो आप मेरे को जहर दे रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए।